छोटा सा मिल चुका है, लेकिन ये जगह देख सकते हो यहाँ भी फट चुका है। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं कितना पानी रात की बारिश की वजह से। ये देखो साहब कितना बड़ा झरना आ गया, कितना पानी नहाने में रिस्क है। अगर इसके नीचे नहाने के लिए जाते तो ऊपर से पत्थर भी आ रहे होंगे बड़े बड़े। पिछली बार इसका सर फूटा था वहाँ। ये देखो बाप रे, ये देखो यहाँ लड़ाई चल रही है। आपको एक जरूरी सूचना और बता दूं, जो भी ये पहाड़ों से आप लिंगोड़े छोड़ के, ये जो है च्यू जिसे मशरूम कहा जाता है या कुलबीर है, कुछ भी हो ये मशरूम में जो भी कैटेगरी मिलती है, इसको अगर आपको पहाड़ों से मिलती है तो ध्यान से खाएं। जैसे ही उठा रहे देख सकते हो सुबह पूरी बारिश पड़ रही है बाहर, चारों तरफ कोहरा लग चुका है। ये देख सकते हो चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और बिल्कुल झमाझम बारिश पड़ रही है, देख सकते हो। रात को मेरे कमरे में भी बुरा हालत हो गई है, यहाँ पूरा टपक रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और एक सामने दीवार में टपक रहा था। अभी जैसे ही उठा देखा कि भाई साहब क्या हो रहा है बाहर, तो देखा पूरा मौसम बिल्कुल बारिश झमाझम पड़ रही है और पूरा मौसम में कोहरा लगा हुआ है। ये होता है साहब पहाड़ों में इन लकड़ी के मकानों में, लकड़ी और पत्थर के मकानों में टपकने लग जाता है। और एक यहाँ था ऊपर देखता हूँ, यहाँ पूरी लुक्रेट भर चुकी है, वो देखो पानी से पूरा भर गया वो। अच्छा हुआ रात को मैंने वो लगा रखा था, पूरा पानी से भर गया है। चलिए उसे निकालता हूँ और वो पानी बाहर फेंकता हूँ। ये देख सकते हो इतना पानी भर गया, यहाँ से टपक रहा था ऊपर से। यही होता है लकड़ी के मकानों में। अच्छा हुआ ये लगा रखा था, नहीं रात को पूरा बिस्तर गीला हो जाता। चलिए मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ एकदम राजी खुशी होंगे। मैं अशोक रावत स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव गलियारों और पहाड़ों में। तो आज रात से ही बारिश लगी हुई है। आप लोगों के प्यार और हमारे जीजाजी मोहन सिंह नेगी ग्राम कोला, उनके सपोर्ट से धीरे धीरे चैनल बड़ा होता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम उत्तराखंड की खूबसूरती अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। तो सुबह का नाश्ता हो गया है, आज जा रहे हम जंगलों की तरफ मशरूम की खोज के लिए। तो आपको भी दिखाएंगे और जंगलों में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए बने रहे आज हमारे साथ। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज आपसे कुछ नई बात करते हैं। चारों तरफ कोहरा लग चुका है और पानी भी मैंने निकाल लिया है, पानी भर गया था रात को, पूरी बारिश हुई थी। यही होता है इन पहाड़ों के पत्थर और लकड़ी के मकानों में, ये टपकने लग जाता है। अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और छतरी मैंने ले ली है ताकि अगर बारिश आती है तो मोबाइल खुद तो चलो कोई बात नहीं भीग भी जाएंगे, लेकिन सबसे मेन मोबाइल है वो नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो हमारा काम बंद हो जाएगा। हेलबोड़ी खानो बड़ा कह गई। अच्छा हाँ दत भी नमडी है। तो पूरी रात भर बारिश हुई थी, उस वजह से सामने जो हमारा पंदेरा है, झरना है, वो काफी हद तक बढ़ गया है। देख सकते हो यहाँ तक आवाज आ रही है पानी की, यानी कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हो गया है। तो चलिए अगर दिखता है तो वो भी दिखाएंगे। और जगह जगह जब बारिश ज़्यादा होती है पहाड़ों में तो जगह जगह से छुया फूटने लग जाते हैं, यानी कि पहाड़ों के अंदर से पानी निकलने लग जाता है। हमारे यहाँ छुया कहते हैं, यानी कि पानी का स्रोत वहाँ भी फट चुका है। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं कितना पानी रात की बारिश की वजह से आ गया है। ये देख सकते हो पानी पूरा यहाँ रास्ते में आ चुका है। ये देख सकते हो कितना मोटा झरना यहाँ से निकल रहा है। ये देखो यही होता है पहाड़ों में ज्यादा बारिश होने का नतीजा, जगह जगह से पानी निकलने लग जाता है। ये पानी देख सकते हो ऊपर से पता नहीं कहाँ से आता है, अंदर ही अंदर यहाँ पे निकल के और ये यहाँ रास्ते भर में नीचे की तरफ चला जाता है। तो चलिए गेमर चला गया हो ऊपर और हम भी चलते हैं
और देखते हैं कहीं मशरूम निकले हैं या नहीं। ऊपर पहाड़ चढ़ते चढ़ते हमें एक घिरली भी मिली। इसे कहते हैं कि अगर इसको एक पत्ते में रख दिया जाए तो ये कलर छोड़ने लग जाती है, यानी कि ये रंग बिरंगा कलर देने लग जाती है। इसे हमारे यहाँ बच्चे इस तरह भी कहते थे कि घिरली रंग दे, घिरली रंग दे, घिरली रंग दे। इसके बहुत सारे पाँव होते हैं और ये किसी पत्ते में रख कर ये रंग छोड़ने लग जाती है, पर पकड़ेंगे नहीं, काट देगी तो फिर हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। देखिए ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें एक छोटा सा मिल चुका है, लेकिन ये देखा देख सकते हो ये रहा। इसमें भी कई कैटेगरी होती है, शायद इसे पिरला चूक कहते हैं। ये देख सकते हो ये होता है पिरला चूक। इसमें भी कई कैटेगरी होती है, जैसे कि कल हमारे काका श्री ने बताया इसमें भी कई कैटेगरियां पाई जाती है। तो चलिए अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, इसको यहीं रखते हैं इसको, और कोई बड़ा सा मिलेगा तो उसको ले जाएंगे। और धीरे धीरे जंगलों की तरफ ऊपर को बढ़ रहे थे तो अचानक बारिश भी आने लग गई, तो हमने छतरी तान ली है और ऊपर की तरफ अभी तक हमें कोई भी मशरूम यानी कि च्यू नहीं मिला है। वही मिला था छोटा सा, और उसी के तलाश में ऊपर तक आ चुका हूँ। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से घर की तरफ चलेंगे। और उसके बाद जो वहाँ बड़ा सा झरना निकल रखा है, कितना पानी बढ़ गया है। ये तो छोटे मोटे झरने हैं जो पहाड़ फोड़ के निकल गए हैं, और बड़ा झरना उधर वाली नदी में है हमारा, वहाँ आपको दिखाने ज़रूर चलेंगे। फैमिली जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक भाई मिल चुका है, हमारे विनोद भाई का लड़का नीचे कपलू फॉल से, और वो लेकर आ रहा है पूरी पन्नी भर के मशरूम। उसने बताया कि ऊपर की तरफ से मैं सारी चीज़ें ले आया हूँ, आपका जाना भी बेकार है क्योंकि मैं पन्नी भर के ले आया हूँ, तो आप किसी और दिन आना और मशरूम लेकर जाना, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो वो लेकर आ चुका है सारे मशरूम, तो हम इसके बाद घर की तरफ चलेंगे। और भाई आ रहा है वो, तो दिखाते हैं वो कितना मशरूम लेकर आया है। ये देख सकते हो ये भाई लेकर आ चुका है। आजकल पहाड़ों में लोग सुबह सुबह ही निकल जाते हैं इन मशरूम लिंगोड़े लेने के लिए, क्योंकि आजकल यही सब्जियां हो रही। कहाँ मिले? बंजवाड़ मिले। देख सकते हो उतनी दूर तक गया ये भाई सुबह सुबह, और ये लेकर आ चुका है और घर ले जाएंगे, तो यानी कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो वहाँ से सब टिप टाप के आ गया, हमें नहीं मिलेगा, तो हम किसी और दिन ट्राई करेंगे, क्योंकि आजकल यही सब्जियाँ लोग खा रहे हैं। देख सकते हो कितनी सारी आया भाई, ये देखो ये कुलवीर है, ये देखो। तो आप भी अगर पहाड़ों में कैंपिंग करते हैं तो ज़रूर इनको खाएं, बस नमक मिर्च आपका लगेगा और बाकी सब्जी जंगलों में ही मिल जाएंगी। क्यों, क्या नाम भाई तेरा? सुजल बिस्ट नाम है, विनोद भाई का लड़का है। अरे देख सकते हो दो पन्नी भर के ले आया, इसमें भी रखा हुआ है, देख सकते हो। ना मैंने खा दिया यार। अरे ये भाई लेकर अब जाएगा घर की तरफ, और हम भी चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि भाई तो सारा चीज़ ले आया है, तो शायद हमें किसी और दिन मिलेगा, तभी तो नहीं मिलने वाला है। और कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देख सकते हो चारों तरफ, जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे कोहरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और बारिश भी हल्की फुल्की होने लगी है। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। तो चलिए जी, अब पहुँच चुके हम घर पे, और मौसम देखिए वैसा का वैसा ही बना हुआ है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है। और अब जा रहे हैं हम बड़े झरने की ओर, आपको दिखाएंगे जो वहाँ पे पानी की वजह से बहुत बड़ा झरना बन चुका है। तो चलिए अब जाते हैं वहाँ रॉल में और दिखाते हैं आपको बड़ा सा झरना। अब चलते हैं अब पंद्रह की तरफ, और ये देख सकते हो आजकल आड़ू भी हो रखे हैं, तो आजकल आड़ू ही खा रहे हैं सब, अब ख़त्म होने वाले हैं आड़ू भी, कुछ ही बचे हुए हैं, क्योंकि बंदर आ जा रहे हैं और पूरे आड़ू खा जा रहे हैं, बंदरों ने पूरे आड़ू खा दिए हैं, कुछ चार बचे हुए थे तो तोड़ के अंदर रख रहे हैं लोग, और उसी को हम खा रहे हैं। और फाल वाले इस झरने का फटने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये जो पानी इतना मीठा होता है ये पानी, इन्होंने ताऊ ने कहा है कि वहाँ जाके वो लगा देना बाल्टी भरने के लिए पंदलू, तो ये भाई बना रहा है यहाँ पे, देखिए तो फैमिली पहुंच चुका हूं मैं झरने के पास, और ये देख सकते हो कितना बड़ा झरना रखा है। अभी ऊपर जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितना तेज, बहुत तेज झरना बढ़ गया है यहाँ पे, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
तो चलिए वहाँ चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कितना झरना बढ़ गया है। ये देखो साहब, अभी ऊपर दिखाएंगे झरना, ये देखो कितना पानी बढ़ गया है बिल्कुल, ये देखो। चलिए साहब अब ऊपर चलते हैं, ये देख सकते हो कितना तेज बहाव आ चुका है पानी का। अब ऊपर चलते हैं जहां मेन झरना है और देखते हैं कितना पानी बढ़ गया ना। ओए होए, ये देखो, ये देखो, बाप बाप, ये देखो साहब कितना बड़ा झरना आ गया, कितना पानी बढ़ गया, देख रहे हो आप। ये देखो, ये है आजकल बरसात में इतनी खतरनाक झरना बढ़ जाता है, देख सकते हो। इसके नीचे अगर कोई जाएगा तो उसका सर ही फूट जाएगा, क्योंकि पत्थर भी आ रहे होंगे ऊपर से, उसमें देख सकते हो। ये है साफ झरना और मौसम भी अभी वैसे की वैसे ही है, कोहरा लगा हुआ है और इतना पानी बढ़ गया है, देख सकते हो बहुत ज्यादा। इसमें नहाने में रिस्क है, अगर इसके नीचे नहाने के लिए जाते तो ऊपर से पत्थर भी आ रहे होंगे बड़े बड़े। पिछली बार इसका सर फूटा था वहां पे, ऊपर से ऐसे ही नहा रहा था मजे मजे में और इसके सर पे ऊपर से आके पत्थर लग गया था। और एक हमें हमारी ताई जी मिली और ये लेके जा रही है क्या चू, यकुलवीर, देख सकते हो आजकल पहाड़ में जो कोई मशरूम ही खा रहा है, कोई यकुलवीर, कोई चू, कोई कुहड़े चू है। कहा गया था तुम्हें ढूंढना खड़ा, आज सागर बात ही बनल है, ये यकुलवीर लेके जा रही है, देख सकते हो ताई जी। अब हल्का फुल्का सामने से धूप आने लग गई है और मौसम थोड़ा बहुत दोपहर का साफ होने लग गया है। आजकल पहाड़ों में हर कोई इसी के पीछे पड़ा हुआ है, लिंगोड़े और मशरूम के पीछे आजकल यही बन रहा है हर घर में, देख सकते हैं। यकुलवीर के लिए ताई जी और इसमें लड़ाई हो रही है, ये कह रहा है मेरे को दे दो और ताई जी हैं चल, ये देख, ये देखो बाप रे, ये देखो यहाँ लड़ाई चल रही है ताई जी और इसके बीच में, ये कह रहा है मेरे को दे दो, ताई जी करिए नहीं मैं आज शाम को बना के ले, ऐसा हो रहा है आजकल एक दूसरे से, जिस पे भी देख रहे भाई मेरे को दे, मेरे को दे, ये शराब दे रहा है, ये शराब दे रहा है, बल्कि पीला हो जाए बस सारा। और एक चीज मैं आपको एक जरूरी सूचना और बता दूं, जो भी ये पहाड़ों से आप लिंगोड़े छोड़ के, ये जो है चूं जिसे मशरूम कहा जाता है या कुलवीर है, कुछ भी हो कि मशरूम में जो भी कैटेगरी मिलती है, उसको अगर आपको पहाड़ों से मिलती है तो ध्यान से खाएं, क्योंकि इसमें सांप का भी खतरा रहता है। तो जब भी ये चीज़ मिले आपको तो नमक के पानी में इसको डुबाएं, अगर पानी का कलर चेंज हो जाता है तो समझ जाना कि इसको सांप ने खा रखा है, टेस्ट कर रखा है, तब इसे तुरंत फेंक दें बनाने से पहले। और इसमें हल्दी ना डालें, कोई भी ये मशरूम होता है इसमें हल्दी नहीं डाली जाती, क्योंकि हल्दी से जहर बढ़ जाता है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। चलिए जी अब आ चुके हैं घर पे और बारिश बंद हो चुकी है और कोहरा धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। और आज खाने में क्या बन रहा है, आज बन रहा है राजमा चावल, तो आज खाने में बन रहा है राजमा चावल। और अब मौसम भी धीरे धीरे साफ होने लगा है, ये देख सकते हो कोहरा अब धीरे धीरे निकलने लगा है, हो सकता है कि धूप आए, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बारिश आ जाए। यही थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर के साथ। मैं अशोक रावत मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू।